सदी की सबसे खतरनाक महामारी के इस दौर में अदृश्य कोरोना वायरस से निर्णायक लड़ाई लड़ने एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय है अपने घर में रहना। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस कठिन समय में धैर्य एवं संयम बरतें। हम निश्चित ही विजयी होकर शीघ्र ही जीवनचर्या में वापस होंगे। विक्रांत में अध्ययनरत आपके बच्चों से समूह के विद्वान शिक्षकगण विभिन्न ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से अध्ययन अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संपन्न करा रहे हैं, जिससे आगामी परीक्षाओं में उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। भिमंडी से आ रहे हैं। कहाँ आए? ये नासिक से 100 किलोमीटर आगे। अच्छा। गोरसरी गांव। कहाँ जा रहे हैं? भिमंडी से वहाँ जाना है हमको गोरखपुर। उत्तर प्रदेश? हाँ, उत्तर प्रदेश। तो आपको सरकार ने कोई मदद नहीं दी? कोई मदद नहीं दिया सरकार हमको। अगर मदद दिया होता तो हमको आने की क्या ज़रूरत थी यहाँ? क्या परेशानी देख रहे हैं आप? प्याज से बाटी खा रहे हैं? नहीं, खाना मिल रहा है कहीं, कुछ खाना ही पड़ता है। कहीं से भी पेट पालना है, पेट पाल के घर पहुँचना है। 700 किलोमीटर तक हम लोग चल चुके हैं। कहीं से चले? साइकिल से। साइकिल से? बड़ी परेशानी आ रही है। परेशानी तो बहुत आ रहा है सर रास्ते में, क्या करेंगे, कुछ तो पेट के लिए करना ही पड़ेगा ना। भिमंडी ये महाराष्ट्र में है, थाना जिला है सर, साउंदा गांव गोरसई से हम लोग वहाँ से चले हुए हैं। हम लोग 9 लोग हैं। रास्ते में हम लोगों को बहुत कठिनाई आई है सर। वहाँ पे SSB वाले मिलते हैं, 2 जगह मिले वहाँ भी रोके, और पुलिस वाले मिलते वहाँ भी नहीं जाने देते, मारते हैं। फिर हम लोग ऊपर से पहाड़ से नीचे होकर के पटरी गुफा गुफा होकर के आए हैं सर। वहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम लोग UP जाएंगे सर, गोरखपुर। तो कहाँ से आ रहे हो? कितने किलोमीटर चल चुके हैं सर? हम लोग साइकिल से आ रहे हैं, 700 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं सर हम लोग। साइकिल से इतना कितना? हाँ सर, हम देख रहे हैं ये बाटी, आप प्याज वगैरह से खा रहे हैं सर? जहाँ नहीं मिलता क्या करें, अपने पैसे से आटा और खरीद जुटा के खरीद के ला के और बाटी बनाते हैं और प्याज वाज लेके खा रहे हैं।